आज हम बनाएंगे आम की कुछ स्पेशल रेसिपी। ये मार्केट में कच्चा आम अवेलेबल हो गया है और गर्मियां हैं, तो क्यों ना आम का कुछ खट्टा मीठा चटपटा बनाया जाए। तो यहाँ मैंने ये आम लिए हैं, जो मैंने आम लगभग लिए हैं पाँच। पाँच आम को मैं छील के धोकर साफ़ करके ले लूँगी और इन आम को लगभग एक बड़ी कटोरी में यूज़ कर रही हूँ। तो जिस कटोरी से मैंने आम लिए हैं उसी से मैंने गुड़ लिया है। तो ये गुड़ जो है एक कटोरी है, इसको हम थोड़ा सा टुकड़ों में बारीक कर लेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है एक बड़ा चम्मच, और ये तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जो है हम डालेंगे आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ का जो है साबित डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में डालेंगे कलौंजी एक चौथाई चम्मच, और एक चौथाई चम्मच ही डालेंगे मेथी दाना। ये खड़े मसाले हमने इसमें भून लिए हैं। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर, जो मैंने आधा चम्मच लिया है, और छौंक लगा देंगे इसका। तो ये छौंक देख रहे हो आप, इसमें उबाल आ रहा है क्योंकि कढ़ाई गर्म है, तो पानी बहुत जल्दी उबल गया है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर। मिर्ची हम अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चौथाई चम्मच मिर्ची ली है, और अब कटे हुए आम को इसमें डाल के चला देंगे। आम को मिक्स कर लिया है मैंने, अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो यहाँ पर आधा गिलास पानी मैंने यूज़ किया है, बस हमें ज़्यादा पानी इसमें यूज़ नहीं करना है। हम ये डालेंगे नमक, सफ़ेद नमक आधा चम्मच और आधा चम्मच काला नमक। दोनों नमक जो है आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हो। तो बस इसे मिक्स करेंगे और इनको गैस जो है मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रखी है, और इसको ढककर पकने देंगे। चेक कर लेते हैं, लगभग 3 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो देख लेते हैं ये आम कट रहे हैं, यानी कि अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ को डालकर हम एक बार चलाएंगे, और ये गुड़ जब तक पिघल नहीं जाता तब तक इसको कवर करके पकाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, गुड़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है, तो आप देख रहे हो बहुत अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ी चम्मच चीनी। चीनी और गुड़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा इस रेसिपी में लगता है, तो जब भी मैं बनाती हूँ तो दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। आप चाहो तो, आपको अगर चीनी ना पसंद हो तो गुड़ से भी बना सकते हो। छोटा चम्मच गरम मसाला, और डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि धनिया जल जाता और उसका इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। इस तरह से आखिर में हम डालेंगे धनिया पाउडर, तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे ताकि ये मिठास जो है आम अंदर तक ले ले। तो इसको हम कवर कर देते हैं, एक बारी चेक करके देख लेते हैं। तो बस ये हमने चेक किया, ये चाशनी एकदम से गाढ़ी हो गई है इसकी। बस हमको इसको इतना ही पकाना है, या हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही खट्टी मीठी ये लौंजी बनके एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है, और ये लौंजी आपको बहुत पसंद आएगी। आप चाहो तो इसको खट्टी मीठी चटनी भी कह सकते हैं। इसको आप 8-10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। ये आपको बहुत रेसिपी पसंद आने वाली है, एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल मेरी तरह से आपको ये बहुत पसंद आएगी। बच्चे इसको बहुत ही प्रेम से खाते हैं और ये सभी को बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।